चर्चित यूट्यूबर और पेशे से हकीम अब्दुल्ला पठान पर लगा यौन शोषण का आरोप। गोरखपुर की रहने वाली महिला ने लगाया है अब्दुल्ला पठान पर यौन शोषण का आरोप। अब्दुल्ला पठान द्वारा पीड़ित महिला को नौकरी के बहाने बुलाकर यौन शोषण करने का लगा है आरोप। अपने दवाखाने में नौकरी देने के बहाने महिला का किया गया है यौन शोषण। पीड़िता ने एसएसपी के सामने पेश होकर लगाई है न्याय की गुहार। अब्दुल्ला पठान सहित तीन लोगों पर हुआ है गंभीर धाराओं के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद के कुंदरकी में दवाखाना चलाता है अब्दुल्ला पठान। बॉडी बिल्डिंग से जुड़े वीडियो बनाकर सुर्खियों में बना रहता है अब्दुल्ला पठान। मुरादाबाद के कुंदरकी थाने से जुड़ा है पूरा मामला। मैम क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोरखपुर। इस टाइम कहाँ पहुँचे हो आप? एसएसपी ऑफिस। कौन सा जिला है? मुरादाबाद। क्यों आए हैं आप? मैं आई हूँ यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए। क्या हुआ था? एप्लीकेशन देने। आपके साथ क्या हुआ? ये मुरादाबाद का एक अब्दुल्ला पठान है जो पेशे से यूट्यूबर और डॉक्टर हैं हकीम। तो उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ गोरखपुर से काम करने के लिए अपने हॉस्पिटल पे। तो काम तो मैंने करी 4-5 महीने, लेकिन वो फिर मेरे साथ गलत काम करने लगे और बोले मुझे शादी करने के लिए। तो काफ़ी सालों से मुझे यूज़ कर रहे हैं और शादी का झांसा देते। और इस बीच में 2-3 बार प्रेग्नेंट भी हुई। 2 बार उन्होंने दवा खिलाकर अबॉर्शन करा दिया। बाकी 1 बार मैं उनको बताई नहीं, अपने घर चली गई थी। और 2-3 महीने मैं उनसे बात नहीं करी। 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरे घर गए। तो जब तक मैं 6वां महीना चलने लगा था हमारा, तो वहाँ से लेकर आए और बोले चलो हम तुम्हारा इलाज कराएँगे और तुमसे शादी करेंगे, हमारे बच्चे को भी हम अपनाएँगे। और फिर यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ मुरादाबाद में भगवती हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करा के मेरा अबॉर्शन करा दिया। जब शुरुआत हुई आपके साथ भी, तो आपने विरोध क्यों किया होता है? उस टाइम मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा धमकाते थे और मारने की, जान से मारने की, और मेरे घर वालों को बताने की। फिर मेरे न्यूड वीडियो भी बना रखा था, उसके लिए मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। आखिरी बार कब मिली हुआ? आखिरी बार 12 फरवरी को मिली। क्या बोल रहे थे आखिरी बार जब मिले? आखिरी बार ये भी बोल रहे थे कि मैं तुझसे शादी करूंगा। और फिर फोन से संपर्क हुआ आपका? जी। क्या कहते हैं फोन पे? फोन पे यही कहते हैं मैं तुझसे शादी करूंगा, और सामने कहते हैं शादी करेंगे, फोन पे कहते हैं तू मेरे लायक नहीं है, मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है, अगर जमी आसमां का फर्क है तेरे और मेरे बीच। जब आप यहाँ मिली हो, कप्तान साहब से मिली हो, तो कोई जवाब मिला है? जी, वो बोले हैं FIR करवाने के लिए, बोले यहाँ जमा कर दो, बाकी थाने में चला जाएगा आपका एप्लीकेशन, वहाँ FIR हो जाएगी। आप क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि इसी वही नहीं मेरे साथ जी आज किया, उसका भाई भी है जिसका नाम अब्दुल मलिक है, वो भी मेरे साथ 1-2 बार, उसने भी 2 बार मेरे साथ किया गलत काम। हो गया। अच्छा, सुना है आपके साथ मतलब जो रील बनाते हैं, तो रील भी बनाइए जी। रील आपके पास है? जी मेरे पास है।